अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल कीप इट टाइम में। तो आज मैं आपके साथ राजमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 300 ग्राम राजमा, जिसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था, और साथ ही मैंने 4 से 5 आलू भी बॉईल कर लिए थे। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा ही क्रैकल करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक और अनियन, यानी कि अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। 2 मिनट ही उसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, और नमक हम हिसाब से डालेंगे, क्योंकि बॉयल करते टाइम भी हमने जो नमक था वो डाला था, और थोड़ी सी हल्दी। इनको अच्छे से मसाले को भून कर, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे, और आलू को भी अच्छे से मिक्स करके हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे। अब हमें जितना पतला या गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी मैंने इसमें 1 ग्लास डाला है। और एक बात आप ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जब भी आप सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में पानी डालें, तो उसको अच्छे से कुक करें। अगर आप अच्छे से कुक नहीं करेंगे तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक के लिए कुक करूंगी। और ये देखिए, 15 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। इसको हरे धनिए से गार्निशिंग कर देंगे, या फिर उड़न कटी हुई अदरक से भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। राजमे को दमदार और मज़ेदार सा बनाने के लिए मैंने राजमे को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, और साथ ही बनाए हैं मैंने चावल, क्योंकि चावल के बिना तो राजमा अधूरा है। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।